फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ गार्लिक मेयोनीज। मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैं आज ब्लेंडर से, हैंड ब्लेंडर से बना रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, फटाफट स्टार्ट करते हैं वेज मेयोनीज बनाना। तो जिसके लिए मैं ली हूँ, ये मेरा है हाफ कप दूध, उससे मैं थोड़ा सा कम ली हूँ, तो इसको मैं इसमें डाल देती हूँ। उसके बाद मैं इसमें फ्लेवर के लिए मैं डाल रही हूँ नमक। नमक मैं डाल रही हूँ हाफ स्पून, टी स्पून से है। और ये मैं शुगर ली हूँ 1 स्पून, जो कि टी स्पून से मैं ली हूँ। उसके बाद मैं इसमें नींबू का रस डालूँगी 1 टेबल स्पून, ये भी डाल देती हूँ मैं। उसके बाद सभी चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड, पहले इसे थोड़ा मिला लेते हैं। थोड़ा उड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है इसे। थोड़ा मैं इसमें तेल डालती जाऊंगी फ्रेंड्स। अब मैं इसमें तेल भी मैं उतना ही ली हूँ जितना मैं दूध डालूंगी। तो ये दूध देखिए, दूध के साथ में ये तेल डाल रही हूँ और डाल कितनी गाढ़ी हो रही है, देख सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं इसमें फ्लेवर डालूंगी। ये गार्लिक है, 4 लहसुन की कली है, उसको मैं अच्छे से थोड़ा सा कूट ली हूँ। और ये थोड़ा सा मैं ली हूँ ब्लैक पेपर, इसे मिक्स कर देते हैं। इनके रेडी हो गई है गार्लिक मेयोनीज। तो चलिए एक बाउल में मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये मेरी गार्लिक वेज मेयोनीज बन के रेडी हो गई है। और ये देखिए कितना थिक है। तो फ्रेंड्स, आप भी इसे ज़रूर बनाइए और एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये रेसिपी कैसे लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी पे, तब तक के लिए बाय बाय।